The Aam Aadmi Party leader Kumar Vishwas has all set to file an FIR against Priyanka Gandhi and Robert Vadra. Now, days after Priyanka Gandhi was campaigning in Amethi for Rahul Gandhi, Kumar Vishwas has alleged that it's a conspiracy by the Gandhi family to attack him. एक कार्यकर्ता कह रहा है कि मैं कुमार विश्वास को गोली मार दूंगा दीदी तो दीदी ये नहीं कह रही है कि आप कैसी बात कर रहे हैं आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है आप गांधी के कार्यकर्ता नहीं है जिस गांधी को गोली मार दी थी नाथुराम गौडसे ने वो उससे कह रही है अरे यहां ऐसी बात मत करिए गेस्ट हाउस आइए गेस्ट हाउस और वो इतनी डेस्परेट है उससे मिलने के लिए कि कह रही है वो कह रहा है मैं मुझे बात नहीं कराते हैं आपसे लोग तो कह रही है कि मेरे साथ आओ अभी मेरे साथ आओ गेस्ट हाउस बात करो तो क्या वो षड्यंत्र करना चाह रही है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ उत्साही कार्यकर्ता जिनको राहुल गांधी की शह प्राप्त है और जिला प्रशासन की चुप्पी प्राप्त है वो ऐसा कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता और मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं Well, let's also listen into what the BJP Smriti Irani has to say after the Aam Aadmi Party candidate from Amethi, Kumar Vishwas, tried to file an FIR against Priyanka and Robert Vadra in Amethi. बयानबाजी के माध्यम से वो वोटरों को अपनी ओर getting to hear. Let's just listen into what the allegations from Kumar Vishwas really are. Let's listen into what he said. एक कार्यकर्ता कह रहा है कि मैं कुमार विश्वास को गोली मार दूंगा दीदी तो दीदी ये नहीं कह रही है कि आप कैसी बात कर रहे हैं आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है आप गांधी के कार्यकर्ता नहीं है जिस गांधी को गोली मार दी थी नाथुराम गौडसे ने वो उससे कह रही है अरे यहां ऐसी बात मत करिए गेस्ट हाउस आइए गेस्ट हाउस और वो इतनी डेस्परेट है उससे मिलने के लिए कि कह रही है वो कह रहा है मैं मुझे बात नहीं कराते हैं आपसे लोग तो कह रही है कि मेरे साथ आओ अभी मेरे साथ आओ गेस्ट हाउस बात करो तो क्या वो षड्यंत्र करना चाह रही है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ उत्साही कार्यकर्ता जिनको राहुल गांधी की शह प्राप्त है और जिला प्रशासन की चुप्पी प्राप्त है वो ऐसा remains to be seen. Will the Congress and the BJP want to jump into the political opportunity and attack Kumar Vishwas back? Because Aam Aadmi Party is very clear. Aam Aadmi Party says all these attacks against not only Kumar Vishwas,